Welcome to Health Plus Prom. Today we are going to meet you the renowned doctor, Dr. Anubhav Sharma, MS Orthopedics. Dr. Sharma earned his surgical skills and knowledge in managing complex orthopedics trauma during his tenure as a senior resident at the prestigious Maulana Azad Medical College and LNJP Hospital in New Delhi. He also earned his skills in hip and knee replacement at Xavier Hospital, Ahmedabad. As an orthopedic surgeon in Ludhiana, Dr. Sharma has multiple research paper publications in national and international journals, along with interdepartmental publication and presentations at various state and national conferences. Dr. Sharma presently working as an assistant professor in DMC Ludhiana. Our team talked to the Dr. Anubhav Sharma and he shared his experience with our Punjab Plus team. Let's talk Dr. Anubhav Sharma. दर्शकों, Punjab Plus channel पे आपका स्वागत है. आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं Dr. Anubhav Sharma जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स में और अभी DMC हॉस्पिटल में है. डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में. नमस्कार सर. डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है, जिसमें पहले हम देखते थे कि लोग बूढ़े हो जाते थे, घिस घिस कर चलते थे, लेकिन आज की साइंस ने, आप डॉक्टर्स ने एक नई जो टेक्निक है गुड्डे बदलने की, चूल्हे बदलने की, उसके साथ इसके ऊपर काफ़ी निजात पा लिया है और लोग 90 ईयर्स के लोग जो हैं वो भी आराम से चल रहे हैं अपने घुटने बदला कर. क्या कहना चाहेंगे कि आपने ये सेवा कहाँ से शुरू की और कैसे आज आप एक ब्रांड है? सर, मेरे जो इस गुडे रिप्लेस या हिप रिप्लेसमेंट की जो एक जर्नी है मेरी, वो शुरू हुई थी दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में. उसके बाद मेरा इसका जो मैंने फर्दर इसकी जो स्पेशलाइजेशन करी है वो करी है अहमदाबाद से. डॉक्टर एच पी बलोडिया है अहमदाबाद में, एंड ही इज़ वो हमारे इंडिया के सबसे पुराने या सबसे ज़्यादा घुटने और नी हिप रिप्लेसमेंट सर्जन है और बहुत ही वन ऑफ द सीनियर मोस्ट है. तो उनके अंडर रहते रहते मैंने ये चीज़ सीखी कि अब स्पेशली इस वक्त में उम्र सिर्फ एक चमसस में नंबर ही रह गया है. तो पहले कई होता था कि 60 प्लस करके जो फीमेल स्पेशली के अंदर घुटने कसते थे उनके, वो थोड़ा बहुत दवाइयाँ लेके काम चलाते थे और अपने घर का काम करना, बाहर जाना बंद कर देना. बट अब जो टेक्निक्स आ रही हैं अपने नी रिप्लेस करने के, हम उनकी लाइफ बिल्कुल एज नॉर्मल एज पॉसिबल कर सकते हैं और उसके अंदर भी विकसित हो रहे हैं अब हमारा, उसके अंदर भी हमारे खास घुटने गोल्ड के घुटने बनने शुरू हो चुके हैं. एक ऑक्सीडियम का घुटना आता है जो एक घुटना 25-30 साल चलता है उनका. डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा, आप उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसमें आप लोग ट्रोमा सेंटर जो कि सेवा का केंद्र, जो क्योंकि जब भी कोई इंजरी आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो लोगों का जो ध्यान पहला वो DMC की तरफ जाता है. और अनुभव जी, आप भी DMC के साथ अब एसोसिएट हो. बिल्कुल सर, हमारे DMC की एक जो बहुत ही खास चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ पे सारी स्पेशलिटीज़ हैं, बेस्ट के बेस्ट ICUs हैं. सो जब भी एक पेशेंट को चोट लगता है, कोई ट्रामा होता है, हड्डी टूटता है, वो सिर्फ एक हड्डी नहीं टूटा है, वो सेम पेशेंट को बुजुर्ग होगा तो उसको हार्ट की तकलीफ भी होगी, उसको कोई ब्रेन की चोट भी हो सकती है, वो कोई डायबिटिक हो सकता है, हाइपरटेंसिव हो सकता है. हमारे यहाँ पे जो बेहोशी से डॉक्टर से लेकर जो हमारे ICU डॉक्टर थे, हमारे कार्डियोलॉजी सेंटर है हमारा, वो एक पेशेंट को एज अ टोटल एक पूरा पेशेंट को हम ध्यान रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हड्डी टूटी टूटा है उसको ठीक करना ही करना है. तो जो हाई रिस्क सर्जरीज होती हैं वो हमारे DMC में होती हैं, तभी हमारे जो पेशेंट होता है उसको एक बराबर पूरा फुल केयर मिलता है. एंड यही एक रीज़न है कि इतने पेशेंट चाहते हैं कि हमारे उनको DMC में इलाज हो, बिकॉज यहाँ पे कि आप किसी नॉर्मल सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे इतने उच्च कोटि के डॉक्टर और उच्च कोटि की सेवाएं आपको नहीं मिलेंगी एक ही रूफ के अंदर. और यहाँ पे सब ऐसा कुछ नहीं है, बटा नहीं हुआ कि यहाँ पे यहाँ का पेशेंट है, कार्डियक सेंटर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है. हम एक पेशेंट को पूरे टीम की तरह देखते हैं. तो इस करके हमारा DMC है जो एक नॉर्मल सेंटर से कहीं ज़्यादा अच्छा काम करता है. जो हाई रिस्क सर्जरी जो बाहर नहीं हो पाती है वो DMC में होती है. सर, आपके पापा जिनका ये मिशन था कि मेरा बेटा और ऊपर मैं उसको एक ऐसा बेटा बनाऊं, और उनके कहने के ऊपर, जैसे आपने, आप एक हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट तो थे ही डॉक्टर, आपने उसके बाद एक नई ब्रांच कैंसर जो कि बोन कैंसर, जिसके लिए हम बात कर लें, बहुत ही कम हमें उस चीज़ के डॉक्टर्स जो हैं आर्थ वाले मिल रहे हैं, और वो ब्रांच भी आपने जो है फतेह कर ली है और उसके लिए भी आप यहाँ DMC में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. बिल्कुल, हमारे नॉर्थ इंडिया में हमारा एक अकेला एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे हड्डियों के कैंसर का स्पेशलाइज इलाज होता है.
जिसके अंदर हमारे पास कीमोथेरेपी वाले, रेडिएशन थेरेपी वाले, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट, हमारा जो हमारे ट्यूमर के MRI होते हैं वो पढ़ने के, हमारी खास पूरी टीम है जिसमें हम एक हड्डी का कैंसर का जो पेशेंट है उसका एक टोटल के अंदर इलाज चलता है उसका, उसको कोई यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता। हमारे बिल्कुल सबसे रिसेंट, अब जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल पहले जाइए, अगर किसी पेशेंट को लात के अंदर कोई कैंसर हो जाता था हड्डी का, तो सबसे क्या इलाज होता था, लात काट दी जाती थी उसकी, दैट्स दी ओनली इलाज जो बाकी कहीं और होता था। पर अब जो एक लिम्ब सैल्वेज सर्जरी, मतलब लात को बचाने वाली सर्जरी है, उसका कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं। हमारे पास हर टाइप की सर्जरी की सुविधा है, हमारे पास OT है, हमारे पास इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी है, जो कि किसी भी हद तक जाकर पेशेंट की लात बचाकर कैंसर निकाल कर, लेकिन पूरा कैंसर निकालने के बावजूद उसकी लात पर फंक्शन है, जो घुटना बेंड करना, चलना, खाना खाना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, इवन वो तक हम बचा सकते हैं। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेशेंट को सही वक्त पे यहाँ पे आना चाहिए। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि पहले का समय जब बोन कैंसर आ, जैसे आपने बताया, तो मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल जैसे आप पर सेवाएं लेकर आए हैं और नई नई टेक्निक के साथ पेशेंट जो है उसकी सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। बिल्कुल सर, जो पेशेंट हमारे पास सही वक्त पे आते हैं उनकी सर्वाइवेबिलिटी अब से कहीं ज़्यादा है। अब से 10 साल पहले आप देखे थे, वहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को बहुत लेट पता लगता है कि उनका हड्डी का कैंसर है, पर अब ऐसा नहीं है। हमारे पास पेट स्कैन आ गए हैं, हमारे पास MRI है, हमारे पास बायोप्सी का एक सुविधा है जिसमें बिना चीरे के हम बायोप्सी लेते हैं, जो टुकड़ा लेते हैं हम सैंपल भेजने के लिए, हम बिना चीरा के लेते हैं, हम एक सुई से लेते हैं, ताकि जो उसका जो अगर वो कैंसर में है वो आगे फैले ना, तो उससे पेशेंट का जो इलाज सही वक्त में, सही स्पीड से, सही तरीके से होता है, जिसके करके हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत अब पहले से काफी बेटर हो चुका है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि हम घुटने के ऊपर ही आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं घुटने से, क्या कहना चाहेंगे कि घुटने, लोग कहते हैं कि हमने घुटने बदल लिए, लेकिन जैसे आप उनको गाइड करते हैं, आप उनको डाइट चार्ट्स देते हैं, आप उनको एक्सरसाइज बताते हैं कि अगर आपने घुटने बदल लिए तो आपने कोई निजात ऐसा नहीं पा ली कि आपने लोहे के गुड्डे पवा लिए, आपने केवल घुटना बदला है, उसके साथ मसल्स नहीं बदले, मसल्स में तो जान आपको चाहिए, और वो फिजियोथेरेपी के साथ, वो हेल्थ की जो एक्सरसाइज है उसके साथ, और वो आपको खाने पीने पर परहेज रखने के साथ ही होंगी। अगर आप फिर से कहेंगे कि मैंने गोड्डा बदला दिया, और फिर बोलेंगे, फिर डॉक्टरों को आप कोसते रहेंगे, अरे मैंने तो गोड्डा भी बदल लिया, अभी भी मेरे गोड्डे दुख रहे हैं, अरे आप एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सर, सही, आप सही कह रहे हैं। मेरे मतलब जितने भी मेरे पेशेंट हैं उनके साथ मैं सिर्फ घुटने बदलने तक नहीं रहता हूँ, उनको जब घुटने बदलने पे आते हैं मेरे पास, मैं उनसे पहले एक लिखित में लेता हूँ कि जो भी आपका वजन है आज, घुटने बदलने के बाद अगले 3 महीने में आप कम से कम 15 किलो कम करेंगे। उसका कारण ये है कि पेशेंट को समझना पड़ेगा कि जितना जो ढांचा है, घुटना हम क्यों बदलते हैं, क्योंकि वो ढांचा खराब हो गया आपका, हमें ढांचा बदल दिया आपका, लेकिन अगर उस पर घुटने पर वजन आप अभी भी उतना ही डाल रहे हैं तो हमेशा ऑब्वियसली वो घुटना ज़्यादा घसेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपका जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत कम वो लंबा होने वाला है, और रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होगी आपकी। आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर आपका वजन कम होना, आपका गुड डाइट होना, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घुटना बदल से बात नहीं बनता कभी भी। तो मैं अपने पेशेंट को यही कहता हूँ, चाहे वो घुटने बदलाएं या हम घुटने में इंजेक्शन भी लगाते हैं, अगर वो भी करते हैं, दोनों के अंदर मैं उनको मोटिवेट यही करता हूँ। सबसे पहले डाइटिशियन मेरे साथ टीम रहती है यहाँ पे, फिर वो एक सही डाइट उनको, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटिक डाइट मिलता है उनको, अगर वो हार्ट का है, लिपिड का प्रोफाइल प्रॉब्लम है, उसके मतलब डाइट मिलता है, ताकि पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल ठीक रखे, डाइट रखे अपने, अच्छा खाना खाए, पेट भी भरे, कोई कमजोरी ना हो, प्लस उसका जो मसल है, जो हम तो मसल आपके पास ये मसल नहीं बदलते हम, तो मसल की ताकत बनाए रखे, पर साथ में वजन भी कम हो उनका, तो अगर ये सब चीज़ें इकट्ठी होंगी तो जो घुटना बदलने का जो रिकवरी पीरियड बहुत ही अच्छा रहता है, वो यू आर ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल, आपकी नॉर्मल से बेटर लाइफ स्टाइल हो जाती है आपकी। डॉक्टर साहब, अगर एक गुड्डा किसी का घस गया और वो उसको वैसे ही टोटकों के साथ, क्योंकि आज हमारा जो लोग है ना, वो टोटकों में मैंने मालिश करा लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और वो अगर वो 4 स्टेज में होते हैं, जब उनका एक ही रहता है कि अब घुटना बदलना ही पड़ेगा, और उस स्टेज में अगर वो पंगे लेते रहते हैं तो दूसरी टांग के दूसरे गुड्डे के ऊपर भी भार दे देकर एक ही जगह दोनों की नौबत आ जाती है, क्या कहना चाहेंगे कि जब आपको लगे कि हमारा गुड्डा जो 4 स्टेज में है और इसके बाद हमारा कोई चारा नहीं है, हमारे दर्द बहुत होता है, तो आपको तभी बदला लेना चाहिए गुड्डा, ये नहीं कि दूसरे पे भार दे देकर दूसरे को भी आप उसको बदलने वाला बना लें। बहुत ही जरूरी चीज एक पेशेंट को समझनी पड़ेगी कि जो ये घुटना घसता है ये एक इरिवर्सिबल चेंज है,
जितना आप मेरे पास आ जाते हैं और आपका सपोज ग्रेड 3 तक घस चुका है, आप ये मत समझिए कि दवाइयों के साथ या कैल्शियम वाइटमिन के साथ घुटना 3 से 2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो 3 तो रहेगा, वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो इससे पहले आपको वो 4 तक या 4+ तक पहुंचे, उसकी नौबत आए, आपको पहले ही सतर्क रहना है, पहले ही एक्सेप्ट करना है कि हाँ घुटने बदलने की जरूरत है हमें। और अगर हम बदलते हैं डेफिनेटली उसका 1-1.5 महीना उसका रिकवरी पीरियड रहता है उसका। पर उसके बाद अगर आपका रहता है तो यू आर ऑलमोस्ट, अगर आप सब ठीक रखेंगे तो वो आपका पहले से बेटर हो जाता है। सो आपको उस नौबत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नौबत आएगी आपकी लातें टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी लातें विंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि वो ठीक नहीं है। क्योंकि उसके बाद सर्जरी के बाद फिर उतना ही दर्द होता है आपको। अगर आप ग्रेड 3 पे सर्जरी कराते हैं और ग्रेड 4 पे कराते हैं तो उसका रिकवरी पीरियड जमीन आसमान का फर्क है। तो उसको उस वहाँ नौबत तक मत आने दीजिए कि आपसे 1 कदम 2 कदम नहीं चला जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी बात सही है, अगर दोनों बदलने पड़े तो हम दोनों भी बदलते हैं, सिर्फ जो पेशेंट हार्ट के मरीज होते हैं उनको हम एक टाइम पे दोनों नहीं बदल सकते, उनको हमें एक बदलने के बाद 2-3 महीने बाद दूसरा बदलना पड़ता है। नहीं तो हम सेम सेटिंग में दोनों बदलते हैं, फिर अगेन सेम टाइम दोनों बदलोगे तो रिकवरी पीरियड उतना ही लंबा जाता है उसका। डॉक्टर साहब, आप जैसे नई नई गोड्डे, जैसे आपने बताया कि आजकल तो गोल्ड के गोड्डे भी आने लगे, क्या कहना चाहेंगे कि DMC एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इसमें ये नहीं है कि ये आप 80,000 में गोड्डे बदला लो, 50,000 में गोड्डे बदला लो। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट, हर चीज क्वालिटी। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन DMC, जिसमें कोई नफा नुकसान नहीं है, जब से DMC बना है इसके ऊपर ही इसका जो पेमेंट है इसके ऊपर ही लग रही है। कभी इन लोगों ने ये नहीं है कि हमने इसमें से कुछ लेना है। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के लिए एक सेवा का केंद्र बना हुआ है। कनाडा से, अमेरिका से लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। पंजाब में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि DMC में दूर दूर से, केरला से, UP से, बम्बे से, हरियाणा से, हिमाचल से, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। और ये उनके लिए एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर इम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है उसको यहाँ पर यूज की जा सकती है। और वो स्कीम भी ऐसे नहीं है कि बंदे को बेवकूफ की तरह बेचारे को परेशान होना पड़े किसी तरह। वो जो स्कीम्स हैं वो अलग से सेल बने हुए हैं, जिनके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसी बात सही है सर, क्योंकि हमारे इस DMC का एक ही मकसद रहता है कि जो पेशेंट आता है हमारे पास, क्योंकि देखिए कोई भी पेशेंट खुश होकर अस्पताल पर नहीं आता है, तो जो उसका दुख को लेके आया है उसको दुख को हम आसान करें। सिर्फ सर्जरी करना हमारा एक मकसद नहीं है। अगर जैसे आपने बताया कि उसके पैरेंट्स होते हैं, कोई इंश्योरेंस वाला होता है, हमने एक सिंगल सेंटर बनाया है कॉर्पोरेट सेल करके, उनको कहीं नहीं जाना है, उनको बस वहाँ पर जाना है, अपने कागज दिखाने हैं, बाकी सारा काम हमारे यहाँ टीम संभालती है। और विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही रिप्लाई आता है उसका, आपको 5-6 दिन वेट नहीं करना पड़ता, और उसमें कोई हिडन क्लॉज नहीं रहता है, बिल्कुल जो है बिल्कुल आपके सामने कागज सामने रहता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है, जो अस्पताल से सर्जरी से पहले का स्टे, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद का स्टे बहुत आसान रहता है। डिस्चार्ज भी उसको फास्ट होता है कि अगर हमने आज बोला कल डिस्चार्ज होगा तो हो जाएंगे डिस्चार्ज। और आपके जो कागज है, सारा कागज पत्र हमारी जो टीम है यहाँ पे, हमारी बिलिंग की टीम है, हमारे जो कॉर्पोरेट सेल है वो देखता है। तो आपको भागदौड़ी नहीं रहता उसके अंदर कि आपको यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसका काउंटर पर जाओ, वो फॉर्म भरो। यहाँ तक कि फॉर्म भी हमारी टीम भरती है, ताकि आपकी जो इंश्योरेंस है, कोई बाई चांस आप डॉक्टर नहीं है, जो पेशेंट है डॉक्टर तो नहीं है, जो क्लिनिकल जो टेक्निकल टर्म्स हैं अगर वो गलत भरे जाए तो इंश्योरेंस आपकी नहीं आएगी। तो हम टेक्निकल सही भरे ताकि वो भी हम ही भरते हैं, ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना आए, किसी पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। तो ये DMC के अंदर डेफिनेटली ये तो है कि इसका जो क्वालिटी है वो एक विदाउट, उसको किसी से मैच नहीं कर पाते। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया के, मैंने ऑलमोस्ट, मैं दिल्ली में रहा हूँ, बॉम्बे रहा हूँ, मैं अहमदाबाद में गया, गुजरात में, मैंने काफ़ी जगह बेस्ट इंस्टीट्यूट देखे हैं हमारे इंडिया के। हमारा DMC पेशेंट ओरिएंटेड है। हमें पेशेंट का दुख दिखता है, हमें वो ठीक करना होता है। सबका अपने आप यहाँ काम है ताकि हर चीज़ स्मूथली जाए यहाँ पे। जैसा चूल्हे की हम बात कर लें, लोग क्या करते हैं जब एज हो जाती है, 80 एज हो गई, चूल्हा टूट गया, तो वो सारी ज़िंदगी ये नहीं सोचते कि इसको बेड के ऊपर ही बाथरूम और प्रॉब्लम आएगी। अगर वो उस स्टेज पर भी बदल लें, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे केस सॉल्व किए हैं जो एज थे और उनका घुटना आपने बदला और वो एक बढ़िया लाइफ लीड कर रहे। देखिए, जो बूढ़े, जो जब एज आ जाती है तो एज तो फैक्टर है ही, उसमें हम लोग एज में तो कुछ कर नहीं सकते, चाहे घुटने हम बदल भी अपने घुटने अपने चूल्हा बदल भी दें तो फिर भी हम लोग एज के ऊपर तो निजात नहीं पा सकते, क्योंकि मल्टीसेंसिस और उम्र के साथ जो प्रॉब्लम आनी है वो तो आनी है। लेकिन फिर भी जितनी उसकी लाइफ है वो एक बढ़िया लाइफ अपनी लीड करता है। और उसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा एज 80 एज के जो है
उनके चूल्हे बदकरों को नहीं जिंदगी दी। बिल्कुल सर, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग घर के अंदर हैं, या तो उनके चूल्हे घसने का हमें वहाँ बदलने पड़ते हैं, पर जो ज़्यादा कॉमन वो ये है कि घर पे वो हल्का सा भी गिर जाते हैं, अगर हल्का सा उठे और स्लिप किया पैर, और अगर कुर्सी में भी बैठ गए जोर से, तो कई बार उनके चूल्हे की हड्डी टूट जाती है। तो कई बार हमारे जो पेशेंट होते हैं, जो उनके 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 बच्चे उनके बेटे जो यंग होते हैं, वो समझते हैं कि नहीं, हमारे माता जी 85 के हैं, 90 के हैं, तो क्या करेंगे, ये तो फिजिकली फिट नहीं। यहाँ पे डीएमसी का सबसे ज़्यादा रोल आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं, जो ब्यूशी से लेकर हार्ट से लेकर ब्रेन से लेकर जितने भी डॉक्टर हैं, वो इसको जेरियाट्रिक्स कहते हैं, वो इसके अंदर स्पेशलाइज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट के जो इवन जो बहुत ही हाई एज है, उनके पास बहुत और इश्यूज हैं, लिवर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके भी हम सर्जरी सही टाइम पे करते हैं। कारण क्या है सर्जरी करने का, कि उसमें अगर आप पेशेंट को आप नहीं चूल्हा बदलेंगे, अगर टूट गया और नहीं बदला आपने, तो पेशेंट बेड पे रहेगा, चल नहीं पाएगा। इस उम्र के अंदर अगर आप पेशेंट को बेड पे रखेंगे, एक बहुत ही लाइन है, मैं कहूँगा मूवमेंट इज लाइफ, चलना ही जिंदगी का नाम है। तो अगर वो मूवमेंट नहीं करेंगे, तो चलो चूल्हा तो नहीं जुड़ा हमने मान लिया, उसके अलावा उनके बेड सोर होने के चांस बढ़ जाते हैं, उनके छाती में पानी भर जाता है, छाती में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस करके उनका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। डेफिनेटली दोनों से रिस्क रहते हैं, पर अगर डीएमसी जैसे इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता सर्जरी, तो कई इंस्टीट्यूट की सर्जरी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सब बैकअप है हमारे पास, और आईसीयू सब है, उनको ध्यान रख के भी मेक श्योर कि सर्जरी सर्विस मिनिमम हो, छोटी छोटी सर्जरी हो, पर उनका रिजल्ट बेस्ट रहे उसका। डॉक्टर सर क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में भ्रम रहता है कि पता नहीं हमारे गुड्डे बढ़ कर कटेंगे, खून निकलेगा, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सर्जरीज हैं आजकल वो बहुत ही लो ब्लड शेडिंग, कई बार तो आप जैसे नई नई टेक्निक्स के साथ सेवा कर रहे हैं तो ब्लड की जरूरत पड़ती ही नहीं है कई बार, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हमारे बेसिकली ब्लड की जरूरत सर्जरी पे डिपेंड करती है, पर बहुत कम, ज़्यादा डिपेंड करती है पेशेंट पे। अगर पेशेंट का पहले ही खून उसका 8 या 7 है, अगर उसकी लाइफ स्टाइल वैसी है, तो डेफिनेटली हमें ज़रूरत पड़ती है, पर उसके अंदर भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं सर्जरी से। कुछ टेक्निक्स हमारे टूरने के होता है, हम पट के ऊपर एक बाइक बांध देते हैं ताकि खून ज़्यादा ना बहे, और जो सर्जिकल हाथ है, जितने भी मेरे और मेरे कलीग्स हैं यहाँ पे, हम वी आर ऑल, हम सब स्पेशलाइज करते हैं इसके अंदर, कि जो आपके खून की नसें हैं उसको तरीके से एक इज्जत से उसको ठीक साइड पर किया जाए, और तब हमें हमारी हड्डी का सर्जरी किया जाए। तो डेफिनेटली हमें ज़रूरत पड़ सकती है खून की, पर वो पेशेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है रादर सर्जरी पे। तो सर्जरी का उसमें रोल कम है, पेशेंट का रोल ज़्यादा है उसको, क्या पेशेंट अगर हार्ट का मरीज है, बीपी है, शुगर है, एंड पेशेंट का ऑलरेडी 8, 7.5 खून है, उसमें हम घुटनों घुटने बदलेंगे, तो उसमें सिर्फ 1 या 2 हमें बोतल खून की चाहिए होगी, तो ज़्यादातर हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपने हमें समझ दिया, आप हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को अवेयर किया आपने और नई नई चीज़ें बताई, आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप एसोसिएट हो डॉक्टर अभिनव शर्मा जी के साथ, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे कि ये टीम वर्क है और आप उस टीम के हिस्सेदार हो? मैं अपने आप में बहुत भाग्यशाली समझदा कि मैंने सर नाल काम करने का मौका मिला। डॉक्टर अनुभव सर ट्रॉमा विच ते हिप रिप्लेसमेंट ते नी रिप्लेसमेंट ते नाल हुन असी कैंसर दे इलाज भी कर रहे हैं, ते असी बहुत सारे मरीजों नू हेल्प की है, एंड हुन जो नवी तकनीक आ चुकिया है, हुन असी बहुत सारे कैंसर है कि बिना ही मरीज दे लत नू कट्टे जा वड्डे असी उस कैंसर नू कट पा रहे हैं, तो मरीज़ की ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो चुकी हैगी है जो कि इस कैंसर नाल पीड़ित ने। की कहना चाहोगे कि काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, और डॉक्टर अभिनव जिहड़े बहुत टाइम लेंदे आ पेशेंट दे नाल उन्होंने गाइड करन दे उत्ते? असी इत्थे डीएमसी विच सर ते असी सारी टीम कट्ठे मिल के मरीज़ जदों आंदा हैगा उन्हें इन्नी अवेयरनेस नहीं हुंदी हैगी है कि जो भी उन्हें प्रॉब्लम हैगी है, जो मरीज़ बहुत घबराया आंदा, सो जगह तो उस गल्लां सुन के आंदा है कि कुछ भी हो सकता है कि लत ना वड़नी पवे, मेरा कैंसर ना फैल जाए, जो कोई अगे मैं दिक्कतां तो नहीं आनगियां, तो असी उन्हां दे पूरे ब्लड टेस्ट कराने हैगे, रिपोर्टां कराने हैं, तो फिर MRI स्कैन राही पूरा जांच करन तो बाद असी देखते हैं कि वो कैंसर किस तरह का हैगा, फिर उस तो बाद असी एक सुई लैके उस सैंपल की जांच लिए भी भेजते हैं, तो उस जांच नाल ये हुंदा है कि सानू ये पता लग जाता कि खतरा है कि नहीं है, तो मरीज़ का वो काउंसलिंग का बहुत फर्क पैंदा मरीज़ नू, उहदे मन दे उपर जो बोझ हुंदा है इन्नी देर तो कि ये कितने गंढ फैल तो नहीं जाएगी, वो बहुत आरामदायक रहिंदा। थैंक यू जी। थैंक यू।